हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईटी 2023 से रिलेटेड तीन बिग अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आपका जो सिलेबस है उसके अलग अलग सेक्शन की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, प्लस जो आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रैक्टिस प्लस एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिग अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और बाकी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे इसके लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहली चीज़, आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है एनसीटी के लिए, है ना, आईटीईपी कोर्सेज के लिए, वो अपडेट हो चुकी है। 25 जुलाई जो है अब वो डेट दी गई है, 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 26 और 27 जुलाई को आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, पोर्टल ओपन होगा। अब हमने अपने पहले वीडियो में बात की थी कि एग्ज़ाम अराउंड 15th ऑफ अगस्त या जहाँ तक है 15th ऑफ अगस्त के बाद ही होगी, तो ये चीज़ अब कन्फर्म हो चुकी है। बेफिक्र होकर के आपके पास 20 से 25 दिन का दिन मान के चलिए कि आपके पास गैप है, आप बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब बात आती है प्रिपरेशन की, तो आप सभी के मैसेज मुझे बहुत मिल रहे हैं, मुझे ईमेल्स बहुत आ रहे हैं, आपका ये पेपर पैटर्न है, आप परेशान हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए परेशान हैं और जनरल टेस्ट के लिए परेशान हैं। तो ये 7 परेशानी आपकी है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, ये तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बट हाँ ये जो 4 सेक्शन है ये सभी के लिए कॉमन है। और मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश ही है, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है, देखिए दोस्तों, अभी तक का जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, जो कोर्स हमारा ऐप पर है, ठीक है, उसमें हमने कुछ टेस्ट सीरीज ऐड की है, जो कि आपका लैंग्वेज सेक्शन, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ये चारों चीज़ें आपकी वहाँ पर कवर हो रही है। जो लोग पेड कोर्स में हैं उन्हें तो फुल लेंथ पेपर मिलेंगे ही, ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। पहली चीज़ तो ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मिला करके वहाँ पर 10 सेट्स मैंने बनाए हुए हैं, अभी 3 सेट्स मैंने वहाँ लाइव किए हैं, धीरे धीरे सेट्स और भी वहाँ पर लाइव हो जाएंगे। और जो लोग इस कोर्स को भी, जो कि 399 का है, अब पहले 299 का था, नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनके लिए एक इसी में फ्री सेक्शन भी रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जा कर के देख पाएंगे कि फ्री सेक्शन में आपको इन चारों चीज़ों के लिए आपको वहाँ पर कुछ 3 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो ये जो कॉमन पेपर है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, इन सभी का जो है इंतज़ाम कर दिया गया है, कहाँ, स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 3 डोमेन वाले हैं इनका क्या होगा। तो देखिए 3 अपडेट हो गई, सबसे पहली तो आपकी एग्जाम डेट, सेकंड टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ अब आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और जनरल टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी पेड वर्जन में, और थर्ड अपडेट है जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ये कोर्स उनके लिए एक फ्री सेक्शन भी मैंने रखा हुआ है, बट जितना फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पर है फ्री सेक्शन में उतना फुल लेंथ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, राइट। अब डोमेन 1 डोमेन 2 डोमेन 3 के लिए क्या कर सकते हैं हम, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एनसीईटी टेस्ट सीरीज को लेकर के, आप लोगों ने वो वीडियो ध्यान से नहीं देखा, वहाँ पर मैंने हमारी टेस्ट सीरीज ऐप की लिंक शेयर की थी दोस्तों, वहाँ पर रोज़ 10 से 20 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट के रोज क्विज के फॉर्म में शेयर किए जाते हैं, राइट। तो अगर आप कुछ भी पेड अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टिल यू हैव चांस कि आप 10 से 20 क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट कर रहे,
क्या ये आपकी तैयारी के लिए इनफ नहीं है? इसमें शिकायत करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको ध्यान से देखना चाहिए जो भी चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, और स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल की ये हिस्ट्री रही है कि आप चैनल पर कोई भी वीडियो देखिए, हर एक वीडियो स्टूडेंट को एक नॉलेज देने के लिए, एक हेल्प करने के लिए बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पर मैं आपसे जो भी शेयर करती हूँ उसमें आप सभी के लिए, चाहे वो पेड हो या ना हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज़ ज़रूर रहती है। तो कोई भी चीज़ है उसे ध्यान से देखिए। रोज़ अगर आप 10 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के, जनरल टेस्ट के, तो आप समझ रहे हैं आपके प्रिपरेशन किस लेवल की होगी, राइट? तो आई होप आप इन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। इतने सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बट स्टिल आई कैन सी कि बहुत सारे बच्चे नहीं उन रिसोर्सेज को ढूंढ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए इन चीज़ों को और फिर तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, राइट? और यहाँ पर जो सीट्स है 3950 सीट्स के लिए आप कम्पीट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कॉम्पिटिशन कितना टफ है? इसमें 50 तरह के कोटा लग जाएंगे, राइट? तो हर किसी के लिए, ना सिर्फ जनरल के लिए, ना सिर्फ लड़की के लिए, ना सिर्फ लड़के के लिए, हर एक का कोटा इसमें डिसाइडेड रहता है। ऐसे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर प्रिपरेशन, और जहाँ से जो रिसोर्स मिल रहा है ना उसे यूज़ कीजिए। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात को। जल्द ही मैं थियोरेटिकल और एमसीक्यू वीडियो लेकर के आऊँगी, तो वहाँ पर भी हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये फ्री सेक्शन और ये डेली क्विज वाले रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट रख सकते हैं, राइट? फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।